हेलो गाइस, मेरा नाम दीपांकर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंटरनेशनल बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में और अदर बिजनेसेस के बारे में भी, जिसमें मैं आपको देता हूं कुछ टिप्स और कुछ प्रो टिप्स और ट्रिक्स। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया। सो इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए स्टेप वन, सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले वही करना है यार, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, अपना फर्म को रजिस्टर करना है, GST लेना है, पैन लेना है, करेंट अकाउंट स्टार्ट, एक्सपोर्ट काउंसिल के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं जिसको कहते हैं RCMC। इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर RCMC। और आप चाहे तो MSME के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें आपको एक्सपोर्ट के टाइम पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो MSME के थ्रू मिलते हैं। ये मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ओवरसीज में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो यू शुड स्टार्ट योर कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज देन पार्टनरशिप कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप। थोड़ा ट्रस्ट इशू रहता है ऊपर जब आप ओवरसीज के साथ डील करते हैं ना, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनको ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं रैदर देन सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। आपने कंपनी भी स्टार्ट कर ली, रजिस्टर भी कर लिया, पैन ले लिया, GST ले लिया, आपने करंट अकाउंट भी खोल लिया, MSME में रजिस्टर कर लिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर कर लिया। अब या तो आप सामान अपना प्रोडक्ट ओवरसीज में बेचेंगे या तो आप ओवरसीज से खरीदेंगे। सो अगर आप ओवरसीज़ में बेचने का सोच रहे हैं तो देखिए ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब ज़्यादा मैंने ओवरसीज़ में बेचने का तो मैंने हैंडल नहीं करा है। हाँ, अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, प्रोक्योर करना चाह रहे हैं, तो अलीबाबा सबसे बेस्ट है। अलीबाबा है और एक ग्लोबल सोर्सेज डॉट कॉम करके जहाँ पर आप आपको इंटरनेशनल सप्लायर्स मिल जाएंगे, बट मेरा प्रेफरेंस तो मोस्टली अलीबाबा ही रहता है, जहाँ से मैंने खुद बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के लिए वो करा है, सोर्सिंग करी है। वैसे हमारा खुद का बंदा चाइना में है तो मेरे लिए ईजी हो जाता है, बट अलीबाबा से मैंने बहुत सारा सोर्सिंग वगैरह किया है, वहाँ पे इजी होता है बहुत सारे। अगर आप चाहते हैं ना, जस्ट आप कमेंट कर देना अगर आप चाहते हैं कि इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो कंप्लीट फुल ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू प्रोक्योर आइटम्स फ्रॉम अलीबाबा, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अलीबाबा के साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। मेरे इतने मेल से अलीबाबा के मैं बता नहीं सकता, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोक्योर कराए वहाँ से। सो अब आप अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तब भी आप अलीबाबा में जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं एज अ वेंडर, एज अ सप्लायर, और आप इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर करिए, देखिए क्या मिलता है नहीं मिलता है। थोड़ा वहाँ पे केयरफुली चलना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट्स में। इंडोनेशिया और थाईलैंड में मैंने बहुत देखा ये कौन बड़ा करते हैं ये लोग ना, मतलब सारे के सारे फेक सप्लायर्स होते हैं, फेक इंपोर्टर्स होते हैं। इंडोनेशिया थाईलैंड में तो बहुत होता है, पेपर के केस है, मैंने पेपर का काफ़ी हैंडल कर रखा है, A4 पेपर का जो गुड्स है इंडिया में कितने हैवी क्वान्टिटी में होता है, डेली टू यूज़ गुड्स है, जैसे कि पेपर हो गया, A4 पेपर इतना ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे, इतने ज़्यादा फेक सप्लायर्स हैं कि आप कह नहीं सकते, लोगों ने 10-15 हज़ार डॉलर ऐसे गवा के बैठे हुए हैं। सो उनसे थोड़ा बच के ओवरसीज़ में आप जब भी डील करें तो थोड़ा ट्रस्ट इशू बना के और थोड़ा केयरफुली डील करें, और बाकी ठीक है, आप तो मिल ही जाएगा आपको। अलीबाबा में कोई दिक्कत नहीं है, अली पे वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप, तो वो थोड़ा सिक्योर रहता है। अली पे में अलीबाबा को आप इन्वॉल्व कर लीजिए अपने ट्रांजेक्शन में, डायरेक्ट वो मत करिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, जाके विजिट कर सकते हैं। अगर चाइना विजिट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चाइना विजिट नहीं कर रहे हैं तो आप अलीबाबा को बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं और आपका ट्रांजैक्शन विल बी वेरी सेफ। सो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, आपने अपनी कंपनी खोल ली, रजिस्टर कर लिया, फॉर्म रजिस्टर कर लिया, आपको सप्लायर मिल गया, बायर मिल गया, अब आपको उसको लेके आना इंडिया में। अब बात आती है इम्पोर्ट करने की या एक्सपोर्ट करने की। इम्पोर्ट के टाइम में देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है टर्म्स ऑफ इनवॉइस, इनको टर्म्स जो मर्जी कह लीजिए आप, टर्म्स ऑफ इनवॉइस कहता है, कोई इनको टर्म्स कहता है, कोई पेमेंट टर्म्स कहता है। टर्म्स ऑफ इनवॉइस बेसिकली ये होता है, एक टर्म्स होता है इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ जिस पे आप और सप्लायर म्यूचुअली एग्रीड होते हैं टू सप्लाई द गुड्स फ्रॉम ओरिजिन टू द डेस्टिनेशन। ये इनको टर्म्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1936 आई गेस बाई ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये बहुत वास्ट वो है सब्जेक्ट टॉपिक है, तो अगर आप चाहते हैं ना मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ इनको टर्म्स के ऊपर, तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैंने सारे नोट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा प्लस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा सारा का सारा। बट इस वीडियो में तीन चार लेके चलूंगा इनको टर्म्स जो कि वर्डली यूज़ होते हैं इंडिया में, जो है आपका एक्सवर्क्स हो गया, FCA हो गया, FOB हो गया और CIF हो गया। तो जो वाइडली इंडिया में यूज़ होने वाले इनको टर्म्स है वो है एक्सवर्क्स, FCA, FOB और आपका CIF। तो इन चारों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम करते हैं एक्सवर्क्स। एक्सवर्क्स होता है जिसमें कि सप्लायर की लाइबिलिटी तभी ख़त्म हो जाती है जब वो मैन्युफैक्चर गुड्स मैन्युफैक्चर करके आपके एजेंट को वहाँ पे फैक्ट्री के बाहर हैंडओवर कर देता है। एक्चुअली जो ये टर्म्स ऑफ इनवॉइस है ये सारा इट डिस्क्राइब्स सप्लायर का लाइबिलिटी कहाँ तक है, सप्लायर की और आपकी लाइबिलिटी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है।
सो एक्सवर्क्स में ये होता है कि सप्लायर का काम होता है, उसने मैन्युफैक्चर करा, अपना डब्बा पैलेट वैलेट बनाया, बॉक्स बनाया और अपने दरवाजे के बाहर या अपने वेयर हाउस में उसने छोड़ दिया। आपका एजेंट जाएगा वहाँ से पिक करेगा और वहाँ से आपकी लाइबिलिटी शुरू हो जाएगी और उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी सप्लायर की। अब आपका एजेंट वहाँ से उसके दरवाजे से पिक करेगा, इसको वेयर हाउस से पिक करेगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सी पोर्ट तक लेके जाएगा, सी पोर्ट में जाके वहाँ पे वो उसको फिर वेसल में ट्रांसफ़र करेगा, वेसल उसको सी फ्रेट मतलब बाई सी इंडिया में लेके आएगी, इंडिया में आपके मुंबई लेके आएगी या गुजरात लेके आएगी। तो यह सारा इन्वॉल्वमेंट आपका रहता है, सारा रिस्क आपका रहता है। इन ट्रांजिट में कोई भी गुड्स को कोई भी नुकसान होता है, शिप डूब जाती है, कंटेनर पलट जाते हैं, तो उसमें सप्लायर का कोई रिस्क नहीं है, सारा का सारा रिस्क आपका है। तो एक्सवर्क्स में सप्लायर की लाइबिलिटी बहुत पहले ख़त्म हो जाती है जब वो गुड मैन्युफैक्चर करके आपके एजेंट को ओवरसीज़ में हैंड ओवर कर देता है अपने वेयरहाउस के बाहर या अपने फैक्ट्री के बाहर। सेकंड कहते हैं एफसीए। एफसीए में होता यह है कि सप्लायर की लाइबिलिटी जो होती है वो होती है आपकी उसको पोर्ट तक पहुँचाने तक की, पोर्ट तक पहुँचाने तक की। ये होता है मतलब ये हो गया कि वो अपना गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, पैकिंग करेगा, पैलेटाइज करेगा, बॉक्स बनाएगा, ट्रांसपोर्टेशन उसका खुद का रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके वेयर हाउस, आपके एजेंट का जो भी वेयर हाउस है ओवरसीज़ में, जैसे कि जो भी आपका एजेंट है जिस भी फॉरवर्डर के थ्रू आप कर रहे हैं, उसका फॉरवर्डर का एजेंट होता है हर कंट्री में, तो वो अपने एजेंट को बोलेगा कि हाँ भाई मेरे एजेंट का वेयर हाउस यहाँ पे है, आप अपने सप्लायर को अपने हमारे मतलब अपने एजेंट का वेयर हाउस का एड्रेस देंगे, वो अपना गुड्स को वहाँ पैक करेगा अपने फैक्ट्री में, उसको ट्रांसपोर्टेशन में डालेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके वेयर हाउस में पहुँचा देगा, तो वहाँ पे उसकी लाइबिलिटी ख़त्म होती है। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन एक इन्वॉल्व हो जाता है एफसीए के अंदर, और बाकी उसके बाद सेम प्रोसेस वही दोबारा, यू नो ओवरसीज़ में आपका कस्टम क्लियरेंस होगा एफसीए में, उसका भी आपको बेयर करना पड़ेगा, फिर फ्रेट सी फ्रेट भी आपको बेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन में आने के बाद जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह वो तो है ही है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सबसे ज़्यादा वो है एफओबी। एफओबी में ये होता है कि जो सप्लायर होता है उसकी लाइबिलिटी होती है उसको शिप में चढ़ाने तक की, मतलब जब भी वो इनवाइसिंग करता है ना तो उसके अंदर ये सारे के सारे कॉस्ट वो इंक्लूड करके आपको इनवाइस करता है। इसके अंदर आपको होता है गुड्स का जो कॉस्ट होता है वो आपका पैकिंग का कॉस्ट, आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर्स फैक्ट्री और वेयर हाउस टू सी पोर्ट, देन वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस, उसके अपना खुद का एजेंट होता है वहाँ पे एफओबी में, उसका खुद का एजेंट ही सब कुछ करता है, उसका जो ओवरसीज़ का खुद का एजेंट है वही कस्टम क्लियरेंस करेगा, कस्टम क्लियरेंस करा के फिर वो आपके एजेंट को हैंडओवर करेगा आफ्टर यू नो वो वेसल में शिफ्ट करने के बाद बीएलवीएल कटवा के बिल ऑफ लेडिंग समझते हैं ना, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग एयरवे बिल, तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना। तो यही होता है कि अपना वो कस्टम क्लियरेंस करा के शिप में चढ़ा के, शिप जैसे बीएल आपके एजेंट को हैंडओवर कर देगा उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अब शिप से अगर देखिए सी फ्रेट में भी कई बार क्या होता है ना, कई बार कंटेनर पलट जाते हैं, गुड्स डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, उसकी लाइबिलिटी रहती है अपने वेयर हाउस से लेके सी पोर्ट में कस्टम क्लियरेंस करा के आपके एजेंट को हैंडओवर करने तक की। तो ये हो गया आपका एफओबी। लास्ट है सीआईएफ, ये होता है कि उसकी लाइबिलिटी शुरू होती है उसकी फैक्ट्री से टिल आपके पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, सी पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, जैसे कि मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, तो उसमें उसका क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें उसका इंक्लूड होता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हिज वेयर हाउस टू सी पोर्ट में कस्टम क्लियरेंस उसके खुद के एजेंट के थ्रू, कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद बीएल कटवाना, बीएल फी वगैरह सब कुछ पे करना, फिर शिप में लोड करना, सी फ्रेट भी उसका देना, सी फ्रेट भी वो अपने गुड्स के कॉस्टिंग में इंक्लूड कर देगा, और आपके यहाँ डेस्टिनेशन पहुँचने तक का। अब आपका क्या खर्चा है, इंपोर्टर का खर्चा रहता है बस यहाँ पर डेस्टिनेशन में पहुँचने के बाद अपने कस्टम क्लियरेंस कराने का, अगर उसने अपना खुद का कोई फॉरवर्डर कर रखा है तो डी ओ फी ओ कर लेगा, नहीं तो आपका कस्टम हाउस एजेंट ही सारा कर लेता है सीआईएफ में तो जनरली। तो ये चार टर्म्स जो है टर्म्स ऑफ इनवॉइस, इनको टर्म्स इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, विच इज़ एक्सवर्क्स, एफसीए, एफओबी, सीआईएफ। मैन्युफैक्चरर्स मोस्टली सीआईएफ पे काम करते हैं और एफओबी पे काम करते हैं, एफसीए पे ज़्यादातर यू नो ट्रेडर्स और छोटे मोटे इंपोर्टर्स जो नए नए होते हैं इंपोर्टर्स वो करते हैं एक्सवर्क्स पे और एफसीए पे। ये चारों टर्म्स का भी हो गया। अब आपको यू नो आपने अपनी कंपनी खोल ली, आपको बायर मिल गया या सप्लायर मिल गया, आपने टर्म्स ऑफ इनवॉइस भी कर लिया उसके साथ म्यूचुअली, आपके गुड्स भी शिफ्ट हो गए, गुड्स यू नो उसने शिप भी कर दिया, पैकिंग हो गई, शिप कर दिया, सब कुछ हो गया, आप यहाँ पे आपके डेस्टिनेशन में पहुँच गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिया, एंड यू आर ऑल सेट टू कॉन्कर द यू नो दिस डोमेस्टिक मार्केट।
अब बात करते हैं कस्टम क्लियरेंस की। कस्टम क्लियरेंस यार खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की। और आप कोशिश करिएगा, अगर आपको वीडियो में कहीं पे कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी अच्छा लगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यू नो अलीबाबा पे या टर्म्स ऑफ इनवॉइस पे या कस्टम क्लियरेंस पे या किसी भी टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाऊं, तो यू नो कमेंट में ज़रूर बता देना मेरे को। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको सारे फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं कोशिश करूंगा यू नो मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैं ये जो टॉपिक है ना, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, तो थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से, मेरी प्रिपरेशन नहीं है दो चार दिनों से, तो अभी ऐसे ऐसे प्रिपरेशन होती रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको इजीली समझ में आए। वैसे ही यार नोटिफिकेशन सर्कुलर इतने सारे होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि बोरिंग बना दूँ चीज़ों को। सो इस तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको इजीली समझ में आ जाओ। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारे जो मैंने टॉपिक्स में आपके साथ यू नो शेयर करता हूँ, इसको आपको रिटर्न में चाहिए, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस मेल पे एक सब्जेक्ट लिख के दूंगा, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप मेल पे लिख के मेरे को मेल करेंगे, तो मैं एग्जैक्टली जो मैंने बोला है वो सारा मेरे पे रिटर्न में है प्रॉपर वे में, तो वो मैं आपको मेल कर दिया करूंगा, या ऑटो रिप्लाई में कुछ भी देख लूंगा मैं कैसे मेल चिम के थ्रू कुछ कर दूंगा मैं उसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू, दिस इज दीपांकर, एंड यू जस्ट वॉच माई वीडियो ऑन इंटरनेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू सो मच। एक प्रो टिप, सॉरी प्रो टिप, जो अब तक यहाँ वीडियो में है उसके लिए एक प्रो टिप तो मैं देना ही भूल गया। जब आप यू नो ओवरसीज से गुड्स प्रोक्योर करते हैं, तो अलीबाबा में जाएंगे, 100 सप्लायर से बातें करेंगे, वो अपना कोटेशन देगा, ये देगा, वो देगा, दुनिया भर की बातें होंगी, कभी वो रिप्लाई करता है, कभी नहीं करता है, कभी बात बनती है, कभी स्पेसिफिकेशन मिलता है, कभी क्वालिटी नहीं मिलती है, दुनिया भर का यू नो करीबन ये 40-45-50 दिनों का प्रोसेस होता है टोटल। इन सारी चीज़ों को सिफ्ट करना है, ये सिर्फ उनके लिए जो अब तक लास्ट तक वीडियो में बने हुए हैं। ऐसे ना इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे सपोज आपको कोई गुड्स इंडिया में प्रोक्योर इंडिया में लेके आना है, आपका यू नो आपका कंपटीटर ऑलरेडी वो खरीद रहा है कहीं से ओवरसीज़ में, तो आपको पता नहीं कि किससे खरीद रहा है, कैसे पता करें? आपको पता है कि भाई ये बंदा चाइना से मंगवा रहा है, इंडिया के एक्सपोर्ट पे मंगवा रहा है, तो आप ये कर सकते हैं यू नो इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे बंदे हैं जो ना आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डाटा प्रोवाइड करते हैं। सो उनको क्या करना होता है, आप बस अपना प्रोडक्ट का HS कोड जो होता है, HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम कोड जो होता है, वो आप उसको दे देंगे। सो उसका, और आप बोलेंगे कि मेरे को इस डेस्टिनेशन पे मंगवाना है, इस डेस्टिनेशन का सारा डाटा चाहिए, जैसे कि मुंबई का डाटा होगा, नावाशेवा हो गया, या अपना तुगलकाबाद हो गया, IGI एयरपोर्ट का हो गया, या पिपावा का हो गया, पलपड़गंज का हो गया, जैसे मैं अपने आजू बाजू की बात कर रहा हूँ जो पोर्ट्स हैं, इस पोर्ट का डाटा मेरे को चाहिए, इस पोर्ट में ये डाटा मतलब ये वाला आइटम कौन इंपोर्ट कर रहा है, तो उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपकी सारी डिटेल मिल जाती है कि वो डाटा, वो आइटम कहाँ से आ रहा है, सप्लायर का नाम क्या है, फैक्ट्री का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कितने में आ रहा है, कितने में क्लियर हो रहा है, कितनी क्वांटिटी आ रही है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्टर का नाम क्या है, ICYC सब वो टोटल कंप्लीट डिटेल दे देगा, तो सारी ये अलीबाबा की जो आपका हैसल है ये बच जाएगा। सो ये था आज का प्रो टिप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपांकर फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स।